हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और विंटर एंजॉय कर रहे होंगे। सब जगह विंटर्स नहीं है, जहाँ पर गर्मी है तो मौसम इस टाइम पे काफ़ी प्लेजेंट है, कहीं पर भी बहुत ज़्यादा गर्मी इस टाइम पे नहीं होगी, और जहाँ पर सर्दी है वहाँ तो एक्सट्रीम सर्दी हो ही रही है। तो ये जो आप क्लिप देख रहे हैं, ये है एक दिन पहले की, यानी कि 6 जनवरी की, और ये ब्लॉग जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है 7 जनवरी का। तो 7 जनवरी की मॉर्निंग है और आज का क्लाइमेट बहुत ही अच्छा है, मैं आपको अभी दिखाऊंगी। तो यहाँ पर सुबह के काम निपटाने के बाद सबसे पहले जो हम पीते हैं वो है स्मूदी। तो दो तीन दिन से ज़्यादा ही हो गया है, क्योंकि मौसम भी ख़राब था और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो स्मूदी नहीं पी रहे थे। वैसे तो मैं स्मूदी में थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करती हूँ ताकि वो पीने में इतनी ठंडी नहीं लगे। तो यहाँ पर बन रही है स्मूदी, और इसमें मैं क्या क्या डालती हूँ ये ऑलरेडी मैंने अपनी चैनल पर शेयर किया हुआ है, जो मेरा कुकिंग चैनल है स्मिता रावत्स किचन। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो आप वो विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको बहुत सारी रेसिपी देखने को मिलेंगी। स्मूदी की भी मैंने डाली हुई है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। इसमें रोज़ कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं स्मूदी में। तो ये देखिए, स्मूदी हमारी बनकर रेडी हो गई है, और ये 2 ग्लास रेडी हो रहे हैं, एक हस्बैंड का और एक मेरा। टेक द बड़ा ग्लास पीछे वाला। मैं अपनी स्मूदी अभी रख कर जा रही हूँ, पहले आपको दिखाती हूँ वेदर। ये देखिए, धूप अंदर तक आ रही है और अभी सिर्फ 8:30 हो रहे हैं, और ये देखिए मौसम। इतनी अच्छी धूप आती है ना जब आती है तो, और जब नहीं आती तो आपने देखा मेरा ब्लॉग ही स्टार्ट बिना धूप के हुआ है। ये 5th ब्लॉग है आज मेरा। तो फर्स्ट से यहाँ पर धूप नहीं थी, आज 7th को यहाँ पर धूप आई है। और ये है मेरा ब्रेकफास्ट। तो बस स्मूदी पीने के 10-15 मिनट के बाद ही मैंने ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया था, और आज सिंपल रागी की रोटी और हरे प्याज के पत्तों की सब्जी, और मैं लेकर बैठी हूँ धूप में। धूप बिल्कुल अंदर ही आ जाती है, तो बस इस तरह से बैठकर सबसे पहले तो ब्रेकफास्ट इंजॉय करेंगे। और सारे काम ऑलमोस्ट हो गए हैं, तो आज और बड़े सारे काम निकाल कर बैठी हूँ जो अभी तक पेंडिंग थे, तो उनको आज करेंगे, और आपके साथ शेयर भी करूँगी क्या क्या चीज़ें मेरे इतने दिनों से पेंडिंग थी जो मुझे करनी थी, तो आज मैंने सारी निकाल कर रखा है वो काम, तो आज वो करने वाली हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए मिर्ची हैं, और ये बन रही है चिली सॉस। ये मैंने लेके रख ली थी मिर्चें, आपको मैंने पिछले ब्लॉग में दिखाया था, हस्बैंड सब्जी लेकर आ रहे थे तो तब ये चिली भी आ गई थी, लहसुन के पत्ते आ गए थे। तो ये सारी चीज़ें लाने के बाद इनको प्रिपेयर भी करना था, तो ये जो चिली है इसके साथ मैं बना रही हूँ चिली सॉस, जो कि हम अधिकतर चाइनीज़ रेसिपीज़ में यूज़ करते हैं। मार्केट में जो मिलती है उससे बहुत अच्छी बनती है घर पर। तो यहाँ पर पूरी रेसिपी नहीं शेयर करूँगी, वो मेरे दूसरे चैनल पर रेसिपीज़ आती हैं, तो वहाँ पर आप देखेंगे उसे, लेकिन यहाँ पर थोड़ी ग्लिम्स आपको ज़रूर मिल जाएंगी किस तरह से रेडी करती हूँ मैं ये सॉस। इन चिलीज़ को हम थोड़ी देर ठंडा करेंगे, तो जब ठंडी हो जाएंगी फिर हम इन्हें करेंगे ग्राइंड। तो गैस बंद कर दी है और इसे इसी तरह से ठंडा होने देंगे। मैंने अभी ये टमाटर भी काफ़ी सारे मंगवा लिए थे, क्योंकि जब भी मैं बीच में बीमार थी तो अगर हस्बैंड और बेटा भी किचन में आ रहे थे तो उन्हें थोड़ी सी मुश्किल होती है इस तरह से,
टमाटो कट करने में, अदरक लहसुन का पेस्ट बनाने में, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें लेकर बैठी हूँ। सर्दियों में ये चीज़ें पहले से करके रखते हैं तो ये जल्दी ख़राब भी नहीं होता और आपका काम भी किचन में काफ़ी इजी हो जाता है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ टमाटो प्यूरी। तो टमाटो प्यूरी एक तो मैंने अपने जो रेसिपी चैनल है उसमें शेयर किया हुआ है, उसमें मसाला कैसे बनाते हैं टमाटर प्याज लहसुन अदरक का, तो उसे पका कर आप रख लें और एक चम्मच आप यूज़ कर सकते हैं अपनी किसी भी रेसिपी में, वो भी काफ़ी क्विक हो जाता है। सर्दियों में अक्सर उस तरह से भी कर लेती हूँ, लेकिन इस बार मैं बना रही हूँ प्यूरी और थोड़ा सा इंस्टेंट ही मेथड यूज़ करूँगी, क्योंकि जो मसाला भुनने वाला प्रोसेस में भुना मसाला रेडी होता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, आपको खड़े रहना पड़ता है, काफ़ी देर तक भूनना पड़ता है। बट यहाँ पर मैं अपने इंस्टेंट पॉट में ये टमाटो प्यूरी रेडी करूँगी और इसमें भी मैं थोड़ा बहुत अदरक लहसुन डालूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं, और इसको भी कुक करेंगे, बट यहाँ पर खड़े रहने का झंझट नहीं रहेगा। तो यहाँ पर लगभग ये 2.5 किलो टमाटर मेरे पास थे और अभी थोड़े आप पैक देख रहे हैं पीछे, ये भी भरा हुआ है, तो कम से कम 3-4 किलो टमाटर मुझे अच्छे मिल गए थे तो मैं ले आई थी, तो ये रखे हुए थे, तो ये मैंने आधे यूज़ कर लिए, आधे मैंने ऐसे ही रखे हैं। इसमें मैंने थोड़ी सी मिर्ची लहसुन अदरक और तेज़पत्ता ऐड कर दिया है, साथ ही मैंने डाला है 1 बड़ा चम्मच ऑलिव ऑयल। आप यहाँ पे कोई भी ऑयल यूज़ करें, थोड़ा सा माइल्ड फ्लेवर का रखें, ये जस्ट इसको प्रिजर्व करने के लिए है। इसी के साथ इसमें डाल दिया है नमक, नमक भी एज अ प्रिजर्वेटिव ही होता है, तो नमक आप थोड़ी सी कम क्वांटिटी में रखें। कई बार जब हम यूज़ करते हैं इस प्यूरे को किसी रेसिपी में तो भूल जाने की वजह से नमक तेज़ हो सकता है, तो आप याद रखें कि आपने इसमें नमक डाला हुआ है, उसी हिसाब से फिर रेसिपी में नमक एडजस्ट करें। कलर अच्छा है इसके लिए मैंने 1 टुकड़ा बीटरूट का इसमें डाल दिया है, तो आप देख सकते हैं 2.5 किलो के साथ मैंने कितना बड़ा पीस डाला है। इसके बाद ये सारी चीज़ें रख दी हैं इस तरह से इंस्टेंट पॉट में और अब इसको मैं लगा रही हूँ। मैं खुद ही सोच रही हूँ कि मैं कौन से मोड पर इसे लगाऊँ, तो यहाँ पे फाइनली सेलेक्ट करके मैंने इसे खिचड़ी वाले मोड पे लगाया है। मुझे जस्ट उसको पकाना है प्रॉपर और प्योरे करना है, तो खिचड़ी वाले मोड में ऑलमोस्ट ये हो ही जाएगा। तो 15 मिनट का इसमें रहता है प्रोग्राम, तो 15 मिनट में ये बनकर हमारा रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये खिचड़ी मोड में इसको लगा दूँगी और इसमें मैंने कोई भी पानी वगैरह ऐड नहीं किया है, जस्ट ऑयल है, थोड़ा सा नमक है, तो नमक की वजह से टमाटर काफ़ी सारा पानी छोड़ेगा, तो बस उसी में ये कुक होने वाला है। तो बस इस तरह से इसे पैक कर देंगे और इसके बाद इसका विसल भी बंद कर देंगे, ये प्रेशर में ही कुक होगा। अगर आपके पास इंस्टेंट पॉट नहीं है तो आप ये प्रोसेस कुकर में भी कर सकते हैं, उसमें भी इक्वली अच्छा ही बनेगा। इतनी देर में हमारी मिर्ची भी ठंडी हो गई थी, तो चलिए इसे भी ग्राइंड कर लेते हैं और देखते कैसी बनती है हमारी सॉस। आज यहाँ पे बैक टू बैक काम चल रहा है, चिली सॉस बनाई है मैंने, इतना बढ़िया कलर है ना, ये रेडीमेड वाला है चिंग्स का और ये मेरा होममेड, और ये इतनी कटोरी में बचा हुआ है, ये भी खाली करना है। काफ़ी अच्छा बना है लेकिन टेस्टी, साथ ही यहाँ पे ये अचार में भी लगा, ये अदरक लहसुन का पेस्ट बनना है जिसमें 1-2 चिली डालूंगी, और ये यहाँ पर बन रहा है टमाटो पेस्ट इसके अंदर, तो मैंने कम से कम 2.5 किलो टमाटर लेके इसके अंदर डाल दिए और इसे खिचड़ी मोड पर इसकी खिचड़ी बना रही हूँ। देखिए कैसा बनेगा, अभी खोल के दिखाऊंगी मैं आपको इसको होने के बाद। जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी हो गया है रेडी, तो आज ये सारे काम हो रहे हैं, छोटे छोटे काम जो पेंडिंग थे, ये हमारा हो जाएगा कम से कम 1.5 हफ्ता 2 हफ्ता चलेगा ये।
मैंने इसमें कुछ भी पानी भी नहीं डाला था और इतना सारा पानी इसमें निकल है, तो इसको हम आराम से प्यूरी कर सकते हैं। मैं ये हैंड ब्लेंडर यूज करके इसको इसे होने देंगे ठंडा। और यहाँ पर ये क्लिप आप देख रहे हैं, ये मैंने कल शाम को किया था। एक्चुअली ये जो लहसुन के पत्ते थे इनको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया था मिक्सी में लेके, बिल्कुल फाइन ग्राइंड किया था और फिर इस तरह से मैंने इसको क्यूब्स में जमा दिया था और ऊपर से कवर कर दिया था और फ्रीज़र में रखा था इसे। और ये देखिए बढ़िया से क्यूब्स इसके जम गए हैं। अब इन क्यूब्स को इस तरह से निकाल लेंगे, क्योंकि इसी तरह ट्रे में तो रख नहीं सकते, तो इनको आप जिपलॉक बैग में रख दें या फिर किसी प्लास्टिक के बॉक्स में, क्योंकि आपको फ्रीज़र में ही इनको रखना है और आप इनको पूरे साल यूज़ कर सकते। टमाटो प्यूरी बनाई है, उसको मैंने इस तरह से कटोरी में रख दी ताकि बड़े बड़े क्यूब बन जाए। इसका भी राजमा बनाना तो जस्ट एक क्यूब काम आ जाएगा। इस तरह से सारी कटोरियाँ हैं, ये क्यूब से छोटे, इनको इस तरह से जमा के फिर इसको निकाल देंगे और किसी बॉक्स या फिर जिपलॉक में रख देंगे। इनको भी जिपलॉक में ही रखेंगे फ्रिज होने के बाद। इस तरह से ये रेगुलर सब्जी में यूज़ हो जाएंगे। और एक बॉटल मैंने ये भर के रखी है जिसको मैं रेगुलर अभी यूज़ करने वाली हूँ, मतलब रिसेंटली, तो उसको फ्रीज़र मैंने इसको फ्रिज में रखूँगी। और ये भी बची हुई है, इसको भी एक बॉक्स में रख देंगे। बीट रूट नहीं, बीट रूट ने अपना कलर छोड़ दिया, बस बीट रूट यहाँ पे मैश नहीं हुआ तो उसको हटा देंगे। तो अभी एक दो दिन के लिए तो ये भी हो गया। तो इस तरह से ये काफ़ी सारा काम आज मैंने फिनिश किया है। साथ ही दाल भी मैंने भिगो के रखी थी चीला के लिए, तो ये मूंग दाल मैंने पीस के रखी है। इसके साथ मैंने बानियान मिलेट थोड़ा सा मिक्स किया है और इसको भी रेडी कर दिया, ये कल मॉर्निंग में काम आएगा। इसको भी मैं बंद करके रख दूँगी। और किचन की हालत थोड़ी सी ख़राब है, देखिए इस वहाँ तक काम ही चल रहा है। और यहाँ पर मैंने फिर खिचड़ी चढ़ा दी है लंच के लिए। यहाँ पे मैंने ये गोभी की सब्जी बनानी है शाम के लिए, तो ये काट के रख दी है। स्लैब क्लीन कर दिया है, क्योंकि अभी देखा आपने कितना गंदा था ये। और ये है बर्तनों का ढेर जिसे मिलेंगे हम लंच के बाद, लंच के बर्तन भी आने वाले हैं तो उसके बाद ये क्लीन होंगे। ये है हमारा अच्छा लंच, सारा दिन किचन में और लंच में बनी है खिचड़ी। तो ये हमारा सिंपल सा लंच है आज का, क्योंकि बहुत सारा काम हो गया था तो किचन में लेट हो जाता लंच के लिए, तो मैंने फिर यही बना दिया। और इसमें भी खूब सारी सब्जियां जाती हैं और मुझे तो बहुत पसंद आता है। खैर इसके साथ मैंने दी है हरे प्याज की सब्जी जो मैंने मॉर्निंग में बनाई थी, बेटे को थोड़ा सा रहता है खिचड़ी बनाई तो उसको साथ में मैंने दे दिया गाजर का हलवा। और शाम को फिर डिमांड आ गई कि बहुत हल्का सा कुछ बना था दिन में, तो आज कुछ अच्छा बनाओ शाम के टाइम पर, तो मैं बनाने लगी हूँ यहाँ पे पुलाव ब्रेड। ये हॉट डॉग ब्रेड लेके आए थे बट इसको भी रखे रखे दो तीन दिन हो गए, तो मुझे लगा चलो इसे ही यूज़ कर लेते हैं। मैंने बस यहाँ पे चीज़ ली है, उसमें बटर ऐड किया है, गार्लिक का जो मैंने पेस्ट बनाया था वो एक क्यूब निकाल के उसको हल्का सा सॉफ्ट कर लिया और वही इसके अंदर फिल कर दिया है। तो ये गार्लिक ब्रेड पुलाव टाइप की बन जाएगी। बस इसको तवे पर ही बनाते हैं, इस तरह से कट लगा के कर लें या अंदर से इस तरह से एक स्लिट मार दें और उसके अंदर इस तरह से फिल कर दें, बस ये बहुत अच्छा लगता है। लेकिन और बस हल्का सा इसको आपने हल्की आंच पे रखना है, ऊपर से कवर कर दें जब तक
कि आपकी ये चीज़ मेल्ट नहीं हो जाती, बस उतना ही। तो बस यही था आज का मेरा ब्लॉग। सारे दिन मेरे लिए तो काफ़ी ज़्यादा काम था, बट बेटा खुश नहीं था दिन के लंच से, तो उसके लिए ये शाम को एक ट्रीट हो जाएगी। और उसने काफ़ी इंजॉय भी किया, उसको काफ़ी पसंद है इस तरह का छोटा मोटा स्नैक्स बनाते हैं शाम को। तो उम्मीद करती हूँ आपको भी आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, ये ब्लॉग पसंद आया होगा। मैं मिलती हूँ आपसे किसी और नई इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। आज धूप निकली है तो जादू को थोड़ी सी एनर्जी आ गई है, तो सारा काम एनर्जेटिक वे में हुआ। आगे भी ऐसे ही क्लाइमेट रहेगा तो आपके साथ बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं। तो फिर आज के लिए इतना ही, बाय। मैं मिलती हूँ आपसे किसी और नई ब्लॉग के साथ।